अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इकबाल का पाकिस्तान। आज हमारे शो की गालिबन ये 17वीं किस्त है, 16वीं किस्त, 13वीं या 14वीं, खैर हमने गिनती छोड़ दी बिकॉज दैट वो ये जो चीज है इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इट वाज व्हाट वी ट्राइंग टू डिस्कवर हियर एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज के जो आप लोगों की ईमेल्स आ रही हैं, जो आपके एसएमएसेस आ रहे हैं, जो आपके मेरे पर्सनल ईमेल पे भी काफी सारे कुछ ऐसे लेटर्स और आए हैं जो कि बहुत सारे सवालात, और मजे की बात है कि जो यंग लोग हैं ये वो सवालात पूछ रहे हैं। ये एक जबरदस्त ईमेल्स आएंगे जो आई हैं जो कि मैं लेटर ऑन इस शो पे पढ़ूंगा, जो कि इंग्लैंड से या यूरोप के जो यूरोप में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं और वो इकबाल की टीचिंग्स को जिसको समझ रहे हैं, असरार खुदी और जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये ज़ायनिस्ट एजेंडा और पाकिस्तान के साथ जो ये सारा इस वक्त सिलसिला चल रहा है, एक जो जंग का एक समा हमारे पाकिस्तान में बंधा हुआ है और उसको उस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और रोज कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं थ्रू द पोएट्री ऑफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम जायद साहब, हकीम साहब, अब जबकि पूरे मैं जो भी आज ईमेल पढ़ रहा हूँ और एसएमएसेस आ रही हैं उसमें सब लोग आपको हकीम के लकब से खिताब कर रहे हैं, तो आई थिंक यू लाइक इट। Well, I have no choice. Better than a doctor. Better than a doctor. It's better than a doctor. But then I have no choice. Yeah. You gave me the name. Yeah, I mean, you have a choice. You can. But people, I think people like it because जो चीजें आप बता रहे हैं, जो मुझे भी अब ऐसे ही लगता है कि मैं नींद में भी होता हूँ तो मुझे आपका पूरा नाम जायद हामिद नहीं मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हकीम साहब से पूछूंगा। अल्लामा इकबाल को हकीम उल उम्मत इसी वजह से कहा जाता था। पहले जमाने में हकीम उसको नहीं कहते थे जो लोगों का इलाज करता था, हकीम उसको कहा करते थे जो हिकमत की बातें करे, विजडम की बातें करे, हिकमत से लफ्ज हकीम निकला। सो लामा इकबाल को जब हकीम उल उम्मत कहा था, लामा इकबाल ने तो किसी को जुशांदा नहीं दिया होगा आज तक, लेकिन उन्होंने जो हिकमत की बातें की, उन्होंने जो पूरी कौम को बेदार कर दिया, पूरी कौम की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दी, इस वजह से वो हकीम उल उम्मत थे। सो आई एम स्टूडेंट और हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हम तो सिर्फ अपने बुजुर्गों से सीख कर जो अल्लाह ने रिस्क हमें दिया उसको हम शेयर कर रहे हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, आई एम ओनली शेयरिंग द रिस्क व्हिच अल्लाह हैज ब्लेस्ड। और उसकी वजह से आपका जो ऑरा है उसमें एक बड़ा जबरदस्त ग्लो भी है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ इस शो पे, जब भी रिकॉर्ड करने के लिए शो आता है, तो जो वार्मथ आपसे मिलती है वो टू बिगिन विद वो एक ईमान को ताजा कर देती है। और ऑब्वियसली जो बातें हैं वो हम वो कुछ लोग कहते हैं ना जी कि मैं जैसा कि इस शो जब से ये शो स्टार्ट हुआ है और इस शो की कामयाबी की एक ये मिसाल मैं देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए कि आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि ये शो जो है इस किस्म के डिफरेंट जक्सपोज ओपिनियंस को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है कि पहले यहाँ तो लोग इस्लाम के बारे में बात करते हुए बिल्कुल डरते थे और बिल्कुल कोई बात नहीं करते थे, फिर यहाँ जैसा कि इकबाल की जो फिलोसफी है उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके एक बड़े शदीद किस्म का रद्द अमल जाहिर करते हैं कि ये मिलिटेंसी की बातें करते हैं और ये उसकी बात करते हैं, तो उसके बावजूद जो मोहब्बत इस सारे पैगाम के थ्रू हमें मिल रही है, इन सारी ईमेल्स के थ्रू और खतों के थ्रू, और जो मैं आम लोगों से मिलता भी हूं, और मेरी एक दोस्त हैं जो उन्होंने मुझे कभी जिंदगी में सीरियसली नहीं लिया, तो उस दिन उनको मैंने एक शो लगा हुआ था लास्ट वीक, दो वीक पहले, तो मैं वो शो बैठ के उनके साथ देख रहा था, तो आफ्टर द शो वॉज डन तो इसने कहे दिस इज रियली रेवोल्यूशनरी, दिस इज यू आर रियल रेवोल्यूशनरी बट यू गोना पे फॉर दिस, के यानी कि उनके कहने का मतलब था कि आप तुम यहां तो अगले चंद आने वाले सालों में भूखे मरोगे, या तुम मारे जाओगे, या तो यानी कि तुम्हारा जो अंजाम है वो अच्छा नहीं है। तो हालांकि जो लोग एग्री भी कर रहे हैं उस डॉक्टर के साथ वो भी इस किस्म की बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ हमें पता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि इस राह में मुश्किलें ही मुश्किलें। तो आज हम इन सब लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप क्या कहते हैं ये जो किस किस्म के ये लोग हैं, जो कौन लोग हैं हु आर अगेंस्ट अस, बिकॉज एज वी हैव डिसाइडेड टुडे मी एंड हकीम साहब कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, और अनकरीब कोई हम उसको फतवा भी दे देंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं जो कि इतनी सिवियर जिसको इट्स एक्चुअली सिवियर काइंड ऑफ ऑपोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट बींग एंग्री अबाउट द फैक्ट के वी आर डिस्कसिंग इकबाल, इट वॉज लाइक यू नो कि यार गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, कोई इस किस्म का एक बिहेवियर है। अली ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये अपने वक्त के हर रिफॉर्मर, हर मुजद्दिद, हर रेवोल्यूशनरी के साथ ये होता है कि उस वक्त का जो स्टेटस को है, जो सिस्टम है, वो उसको रिजिस्ट करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर पड़े, इतनी अजियतें दी गई, इतनी तकलीफ, इसलिए
कि जो मिशन और मैसेज आप लेकर उठे थे वो अपने वक्त के लिहाज से रेडिकली रेवोल्यूशनरी था। हर दौर में जो रिफॉर्मर आएगा, हर दौर में जो शख्स अपने दौर के खुदाओं को गाली देगा, जो खुदाओं को तोड़ेगा, अपने वक्त के जो बुत तोड़ेगा। हुजूर ने खाने काबा में रखे हुए 360 बुत तोड़े थे। आज भी हमारे दौर में, हमारे माशरे में लोगों ने अपने दिलों में, अपने सीने में, अपने माशरे में, अपनी तहजीब में, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने कारोबारी जिंदगी में बुत बनाए हुए, जो कि हमने काफी और जो बहुत तफसील से डिस्कस की है इस बात को। अगर चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मैसेज लेके उठेंगे, एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, तू झुका जो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो गैर के आगे न तन तेरा न मन। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीविंग एंड सरेंडरिंग ओनली टू वन अल्लाह सुभानहू व तआला, इज सच अ डायनामिक अमेजिंग कॉन्सेप्ट। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर इन पीपल्स माइंड? रीजन बीइंग, यू सी, इंसान ने अपनी जात से लेकर, अपने नफ्स, अपनी ईगो से लेकर, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान के अंदर जो नेगेटिव इविल फोर्सेस का बेस है, नफ्स हमारा उसका जो है, उससे लेकर अपने जमाने में हर वो चीज जो उसके और अल्लाह के दरमियान में आती है, जिसको उसने खुदा बनाया हुआ है, लोग उसको पूजा करते हैं, पूछते हैं उनको, कोई अपनी दौलत को, कोई अपने ओहदे को, कोई अपनी फिक्र को, कोई अपनी सोच को, अपनी ख्वाहिश नफ्स को। और जब भी इकबाल जैसा कोई शख्स आएगा, या हम इकबाल के मैसेज को रिवाइव करने की बात करेंगे, तो चंद कैटेगरीज आपको सामने नजर आ जाएंगी। अगर हम आज की जबान में बात करें तो इकबाल की उस जमाने में जो रेजिस्टेंस और मजाहमत की गई, सबसे ज्यादा मजाहमत करने वाले तंग नजर मुल्ला थे, और पढ़े लिखे लोग भी आते हैं उसके ऊपर। एक कैटेगरी तंग नजर मुल्ला की, यानी ये वो शख्स है कि जिसने ये समझ लिया है कि दीन पर मेरा ठेका है, इस पूरे दीन की कमांड एंड कंट्रोल मेरे पास है, जिसको दीन का कोई मसला पूछना है वो मेरे पास आए, और दीन में इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट, इजमा का कॉन्सेप्ट, और ये तसव्वुर के पढ़े लिखे मुसलमान दीन का इल्म हासिल कर इस दीन के बारे में, कुरान और सुन्नत के बारे में, उसको इंप्लीमेंट करने की सलाहियत और ताकत रखते हैं, इस तसव्वुर से इसको एलर्जी है। और इन्होंने उम्मत को जो जवाल हुआ है पिछले कई सौ साल से, वो जवाल उलमा की वजह से हुआ है। ये ऑर्गेनाइज रिलीजन, क्योंकि दीन में कैफियत यह है कि एक शख्स, आप भी अगर दीन का इल्म हासिल करते हो और तकवे पे मकाम पे पहुंचते हो, तो कल आलम दीन के हैसियत से, एक सिपहसालार की हैसियत से, एक कमांडर इन चीफ की हैसियत से, एक इमाम मस्जिद की हैसियत से, ये सारे रोल आप करा सकते हो। कोई खास कैटेगरी ऑफ पीपल इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ईसाइत में ऐसा नहीं है, हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण क्लास है कि जो अपना दीन सीख सकती है, ईसाइयों में पादरी है जो सिर्फ अपना दीन सीख सकता है, यहूदियों में रबाइस बन गए जो अपना दीन सीख सकते हैं। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। एक राह चलते एक चरवाहे का लड़का भी एक तरफ वो कमांडर इन चीफ भी बन सकता है, और कमांडर इन चीफ के साथ साथ वो आलम दीन भी हो सकता है। सो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जहां पे क्रिएट होगा, वो लोग एक रेवोल्यूशनरी मैसेज को रेजिस्ट करेंगे। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने ये दो रकत के इमाम। इकबाल ने बड़ा सख्त क्रिटिसाइज उस वक्त भी किया था, और उस वक्त के भी तंग नजर मौलवी, खासतौर पर कांग्रेसी मौलवी जो कांग्रेस में शामिल थे, इकबाल के जानी दुश्मन थे। और इसी तरह की कैटेगरीज आज भी हमको आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। पहला ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके विल कैरी ऑन। वेलकम बैक टू द रेवोल्यूशन। जैसा कि हम शो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इकबाल की मुखालफत और साथ में आजकल हम भी रगड़े जा रहे हैं, तो ये कौन कैटेगरीज हैं? हमने एक कैटेगरी डिस्कस की थी कि जो मौलाना, देखिए तंग नजर मौलवी, हम उलमाए हक की बात नहीं कर रहे हैं। वो आलिम उस वक्त भी, पाकिस्तान जब बना था तो इकबाल के साथ बहुत बड़ी तादाद में इकबाल की इज्जत करने वाले, उनको रिस्पेक्ट करने वाले उलमाए दीन, उलमाए हक मौजूद थे, मगर एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी थी जमीयत उलमाए हिंद के या कांग्रेसी मौलवी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, इकबाल की मुखालफत की। अल्लामा इकबाल ने शदीद तनकीद की अपनी शायरी में उनके ऊपर, बाकायदा जंग चली उन मौलवियों के साथ इकबाल की, और इकबाल के कलाम में वो शेर उन्होंने छापे उनके खिलाफ, जो वतनियत की बुनियाद पर, ऐसे ऐसे मौलवी थे कि जो दीन को ताबे करते थे और वतन को डोमिनेट करते थे, नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे उस जमाने में, इस्लाम के नाम पे नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। और इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से इकबाल वॉज सो स्ट्रांगली अपोज टू दीज मौलवीज। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसे क्या जाने बेचारे दो रकत के इमाम, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या पैवस्त जमीन पे तस्बीह और मनाजात, वो मसलक मर्दान खुदा गा खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला और जमादात न पता। मुल्ला को तो उन्होंने कीड़े मकौड़ों और दरख्त के साथ खड़ा कर दिया ले जाके, वो जो उम्मत को गुमराह कर रहा है।
वेलकम बैक टू द रेवोल्यूशन. जैसा कि हम शो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इकबाल की मुखालफत और साथ में आजकल हम भी रगड़े जा रहे हैं, तो ये कौन कैटेगरीज हैं? हमने एक कैटेगरी डिस्कस की थी कि जो मौलाना, देखिए तंग नजर मौलवी, हम उलमाए हक की बात नहीं कर रहे हैं. वो आलिम उस वक्त भी पाकिस्तान जब बना था तो इकबाल के साथ बहुत बड़ी तादाद में इकबाल की इज्जत करने वाले, उनको रिस्पेक्ट करने वाले उलमाए दीन, उलमाए हक मौजूद थे. मगर एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी थी जमीयत उलमाए हिंद के या कांग्रेसी मौलवी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, इकबाल की मुखालफत की. अल्लामा इकबाल ने शदीद तनकीद की अपने शायरी में, उनके ऊपर बाकायदा जंग चली उन मौलवियों के साथ इकबाल की. और इकबाल के कलाम में वो शेर उन्होंने छापे उनके खिलाफ के, जो वतनियत की बुनियाद पर ऐसे ऐसे मौलवी थे कि जो दीन को ताबे करते थे और वतन को डोमिनेट करते थे, नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे उस जमाने में. इस्लाम के नाम पे नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था. और इन्हीं कॉन्सेप्ट की वजह से इकबाल वॉज सो स्ट्रांगली अपोज टू दीज मौलवीज. कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या, इसे क्या जाने बेचारे दो रकत के इमाम, या वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या पैवस्त जमीन पे तस्बीह और मनाजात, वो मसलके मर्दान खुदा गा खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला और जमादा तो ना पता. मुल्ला को तो उन्होंने कीड़े मकौड़ों दरख्त के साथ खड़ा कर दिया ले जाके, वो जो उम्मत को गुमराह कर रहा है. लेकिन जो उलमाए हक है उनके बारे में इकबाल बड़ी आला राय रखते हैं कि जो स्टैंड लेते हैं कुफर के मुकाबले पे, हमेशा मुजद्दिद अल्फिसानी को खासतौर पर आइडियलाइज करते थे कि जिन्होंने अकबर बादशाह के फिरौन, उस फिरौन को लिटरली, वो फिरौनियत जो इख्तियार कर रहा था, मुजद्दिद अल्फिसानी ने अपना तमाम तर खतरा लेकर उसके सामने स्टैंड लिया और दीन की हिफाजत की. तो एक तो ये कैटेगरी है कि जो इकबाल की मुखालफत, आज भी हमारी मुखालफत जो करने वाले में आप देखेंगे कि एक वो कैटेगरी है जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं. वो ये समझते हैं कि हम जब इकबाल की आइडियोलॉजी को रिवाइव कर रहे हैं और लोग इकबाल की तरफ जा रहे हैं, और इकबाल के रिवाइव होने की वजह से जो डायनामिक कॉन्सेप्ट दीन का आएगा, वो फरसूदा थका हुआ बोसीदा बोर कॉन्सेप्ट दीन का. और हुआ यही है कि लोग उलमा के पास जाना बंद कर दिए हैं. आज पढ़े लिखा नौजवान तबका तो कम से कम नहीं जा रहा है. इस वजह से नहीं जा रहा है कि उलमा ना वो जबान बात करते हैं जिससे नौजवान उनकी बात समझते हैं, ना वो रिलेशनशिप है, ना स्पिरिचुअल रिलेशन, ना ताल्लुक कायम कर सके हैं वो. नतीजतन डिस्कनेक्ट हो गया है. नौजवान नस्ल की हिदायत और रहनुमाई करने वाले रिलीजियस स्कॉलर्स बाकी नहीं बचे. दूसरी तरफ इकबाल की मजाहमत करने वाले, रजिस्ट करने वाले वो तमाम लोग जो जदीद दौर के लिबरल सेकुलर वेस्टर्नाइज लोग, जो सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप्स में फंसे, इज़म्स में फंसे हुए लोग हैं, ये हर दौर में जदीद दौर के देहरिये लोग, वो लोग जिनके नजदीक इस्लाम, जिनके नजदीक अल्लाह के रसूल स्पिरिचुअलिटी, डार्क एजेस है, पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं. आज के दौर का मॉडर्न दौर है, 21वीं सदी आ गई है, आप अभी तक कुरान रसूल सुन्नत शरीयत की बात कर रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग. अभी तो दौर है कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का, बैंकिंग सिस्टम का. ये वो लोग जहनी माजूर लोग, मेंटली रिटार्डेड सिख, जो अभी तक अपनी गुलामी से नहीं निकल सके कि इंसान के बनाए हुए कानून के मुकाबले में तुम अल्लाह के बनाए हुए कानून को रिजेक्ट कर रहे हो, तुमसे बड़ा रबिश कौन हो सकता है. अल्लाह ताला ने जिसने इंसान को, कायनात को तखलीक किया है, ही हैज गिवन अ कोड ऑफ लाइफ, ही हैज गिवन, उसने एक ऐसा अमेजिंग डायनामिक कॉन्सेप्ट इंसान को जिंदगी गुजारने का दिया, और शानदार सिविलाइजेशन हम माजी में बना चुके हैं उसके ऊपर. और ऐसी सिविलाइजेशन की दुनिया के जदीद दौर की तमाम तहजीब की बुनियाद जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म, सोशियोलॉजी और साइंसेज पर रखी गई है, वो उसी इस्लामी तहजीब ने रखी है कि जब वो अपने अरूज पे थी. तो दूसरी कैटेगरी इन लोगों की है, शिकस्त खुर्दा लोग. और तीसरी कैटेगरी बराह रास्त वो लोग हैं कि इकबाल जो फ्री मैसन्स कहिए आप, वेस्टर्न बजाते खुद मगरिब के वो लोग कहिए, कुफर का वो निजाम कि जिसको इकबाल की अजान से खतरा महसूस होता है. देखिए फिरौन के दरबार में उसके जादूगरों ने उसको बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा मूसा, कि जो आपके बड़े होने के बाद आपके पूरे सिस्टम को चैलेंज करेगा. और उस एक बच्चे के पीछे फिरौन ने क्या किया था, लाखों बच्चे कत्ल करवा दिए. तो ये जो फिरौनिक सिस्टम है, दज्जाल का सिस्टम हमारे इस दुनिया में आज राइज और कायम है, इसको इकबाल की आइडियोलॉजी से शदीद आग लगती है. दे फील मोस्ट थ्रेटन्ड बाय द मैन हु ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, द ओरिजिनल आइडियाज, क्योंकि लाखों करोड़ों की भेड़ बकरियों की आबादी से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो बीए किया, नौकर हुई, पेंशन मिली और मर गए, सारा दिन नाच गाने में और सारा दिन अपनी दुनिया में नौकरी गुजारने में इस तरह मस्त हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है. लेकिन एक आदमी जो अंधेरी रात में चिराग जला देता है, ही इज वेरी डेंजरस फॉर देम. इकबाल इज दैट कैटेगरी. सो इकबाल की मुखालिफत उस जमाने से हो रही है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो लोग कि जो जरा भी जहन, फिक्र, अकल, समझ, फिरासत रखते हैं, वो इकबाल की मुखालफत नहीं करेंगे. और जो मुखालफत करेंगे, मुझे इसमें कहने में कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको उस कैटेगरी में डाल दिया है कि जिनको अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया. अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान बनाने की मुखालफत करने वाले लोग, वो लोग आज पाकिस्तान में ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं
उलमा मौजूद हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे. कैन यू इमेजिन दिस? आज वो पाकिस्तान में बसते हैं और अभी भी पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करते. पूरी आइडियोलॉजी है ये. और शायद उसके खिलाफ साजिशें भी करते हैं. जो सारा फसाद पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जो खुदकुश हमले हो रहे हैं, जो तबाही बर्बादी मची हुई है, कोई तो रिलीजियस आइडियोलॉजी है जो उसको प्रमोट कर रही है. दूसरी बात हकीम साहब, मैं ये पूछा था कि क्या ये पाकिस्तान के हालात, ऑब्वियसली ये एक जायरा जरीन चीज है कि ये इस तरह एक जो लूज, जिसको कहते हैं ना लूज कोलेशन ऑफ आइडियोलॉजीज है, यानी कि कोई एक बरेलवी है, एक वो है, एक वो है, आगे कोई और है, इधर थानवीज है, इधर फजलुल्लाह ग्रुप है, हर किस्म के लोग हैं. आज कुछ दिन पहले जामिया नईमिया के वो आज सुबह ही सरफराज नईमी साहब का वो, क्योंकि उन्होंने बहुत खिलाफ उनके बात की है ये तालिबान के, और ये जो फनेटिक्स हैं जो कि लोगों को कत्ल करते हैं, तो वो एक बड़ा हार्ड स्टांस उन्होंने लिया था. और ऑब्वियसली वो लोग, उन लोगों को उन्होंने अब टारगेट करना शुरू कर दिए कि हु आर अगेंस्ट अस, वो रिलीजियस उसी में आ जाए, मे बी देयर अ डिफरेंट ग्रुप. तो इसी तरह मुझे भी बहुत सारे लोगों का कहना कि आप और मैं भी जो है शायद इस खतरे में अब शामिल हो गए हैं, कि क्योंकि हम इतनी खुलम खुला ये ज़ाहिर ज़रीन बात कर रहे हैं लोगों के सामने, और लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं, तो शायद हम भी इस नेक्सस के लिए खतरा बन चुके हैं. ये आई एम गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू माई सेल्फ ऑल्सो ऑब्वियसली, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कॉन्सेप्ट, डू यू थिंक देयर इज एनी सच्चाई इन दैट? आइडियोलॉजीज एंड आइडियाज आर ऑलवेज थ्रेटनिंग फॉर द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है. और ये इंसानों को उस वक्त एलिमिनेट करते हैं जब वो इंसान किसी आइडियोलॉजी के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, नुमाइंदा बन जाते हैं. और आज के दौर में इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि तमाम वो मुसलमान जो एक रेडिकल न्यू आइडियोलॉजी लेकर निकलते हैं जिसमें फिरकावारियत नहीं है, तासुब नहीं है, जिसके अंदर मरूबियत नहीं है, जिसमें शर्मसारी नहीं है, जिसके अंदर गैरत, इज्जत और मुसलमानों की डिग्निटी और वकार का पैगाम है, वो तमाम लोग इनके लिए थ्रेटनिंग है, इनके लिए खतरे का बायस बनते हैं. आज पाकिस्तान में जो हंगामे हो रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ ये बात भी कहें कि देखिए ये हर कौम को अपनी तारीख में ऐसे वक्तों से गुजरना पड़ता है, घबराने की बात नहीं होती है. वी हैव टू टेक स्टैंड. कौमों के श्रीलंका जैसा छोटा सा मुल्क 30 साल तक तामिल्स के साथ लड़ता रहा, इससे ज्यादा खूरेजी तामिल्स टाइगर्स ने श्रीलंका में बर्पा की. किसी एक श्रीलंकन ने यह नहीं कहा कि श्रीलंका टूट रहा है या हमें हथियार डाल देने चाहिए, ये तामिल से कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए. दे टुक दे स्टैंड. देख, पूरी जिंदगी चलाई उन्होंने, पूरी जिंदगी के मामलात को चलाया और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके काउंटर अटैक किया एंड दे रिकैप्चर्ड देयर एंटायर कंट्री. हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं. लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल वक्त से हम जाहिर गुजर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं. एज अ नेशन वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड. दहशतगर्द से अगर हम होस्टेज हो गए तो इसका मतलब है कि वो जो गैरत इज्जत का पैगाम इकबाल हमें देना चाहते हैं वो तो वही कॉम्प्रोमाइज हो गया. क्योंकि इकबाल का बेसिक पैगाम यही है कि हजार खौफ हो लेकिन जबां हो दिल की रफीक. अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक. जो हमारे बड़े थे वो सर कटवा दिया करते थे, सर झुकता नहीं था. उनके घर खानदान बच्चे तबाह करवा दिए जाते थे लेकिन वो सर झुकाते नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे. एक शख्स ये किरदार दिखा दे, ये उम्मत खड़ी हो जाएगी. अभी इस वक्त यही प्रॉब्लम आ रहा है ना कि लोग डर भी बहुत गए. अब जिस तरह के आज के दिन में 3 धमाके हुए हैं, एक कराची में, एक नौशहरा में, मस्जिद शहीद कर दी गई. तो अब लोग इतने खौफजदा हो गए हैं कि कोई मस्जिद जाने को तैयार नहीं है. भाई जुम्मे की प्रेयर पढ़ने के लिए लोग सोचते हैं, 4 बार सोचते हैं यार बड़ी मस्जिद में ना जाओ, ऐसी मस्जिद में जाओ जहां पे 100 बंदे की जमात होती है. इसी मुश्किल वक्त में आदमी का कैरेक्टर नजर आता है. यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. वी नीड टू टेक अ स्टैंड एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल. This is where the character is. We're on a process of character building, and hopefully people like me will come on the other side stronger. And let's take a break, and we'll be back after that. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. जैसा कि हम discuss कर रहे थे कि कौन लोग, कैसे वो लोग हैं, वो कौन लोग, कौन categories हैं जो कि हम लोगों की मुखालफत कर रही हैं. और जैसा कि आज मैंने और रकीम साहब ने आपको ब्राह रास्त थ्रेटन भी कर दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस. आई मीन ऑब्वियसली वी आर नॉट जॉर्ज बुश, बट वी गोना ट्राई टू यू नो मेक एन इम्पैक्ट. आज हम इसरार खुदी भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, एंड वी वर होपिंग कि वो थोड़ी सी उसके ऊपर और लाइट डाली जाए ऑडियंस. बात यही है कि जो कुछ हम चेंज लाना चाहते हैं या कोई इंसान अपने वजूद में या अपने आस पास तब्दीली लाना चाहता है, उसके लिए उससे पहले उसको अपने वजूद में तब्दीली लाना. हो सदाकत के लिए मरने की जिसमें तड़प, जिस दिल में तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करें. अपने आप को जाने तो सही इंसान. तो इकबाल की भी अगर आप द एंटायर डॉक्ट्रिन ऑफ इकबाल,
अगर आप उसको सामने रखो तो ये बात हम तफसील से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहली किताब ही असरार खुदी लिखी, द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, अपने आप को जानो। इसके बाद की किताब जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह, रमूज़ बे खुदी है, जिसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो वो एक कलेक्टिव डॉक्ट्रिन है कि पूरा माशरा, एक पूरी तहजीब, एक पूरी सोसाइटी किस तरह अपने आप को रिवाइव करती है और उरूज पे जाती है। ये दो डॉक्यूमेंट्स बेंचमार्क है। जब तक इन डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं समझोगे, ना इकबाल समझोगे, ना इकबाल का पाकिस्तान बना सकेंगे आप, ना इकबाल के पाकिस्तानी बना सकेंगे आप, ना वो मॉडरेट मुसलमान बनाएंगे कि जो पूरी दुनिया को तस्खीर करने की ताकत रखते हैं। तो इकबाल के इस तस्वर को जो खुदी की बात वो करते हैं, क्योंकि किताब भी खुदी है, फोकस भी खुदी है, मकसद भी खुदी है, और इंसान के अपने अंदर रिवाइवल, उस इनकलाब को बर्पा करना है जो एक इंसान के वजूद में है। तो देखिए इस पे हम कुछ अशार जो हैं, और पूरा एक डॉक्ट्रिन है, पूरी फिलॉसफी है कि जो इकबाल माशरे का तजिया भी करते हैं, नौजवानों का करते हैं, उलमा का करते हैं, माशरे की बीमारियों को देखते हैं और हर एक का इलाज खुदी की रोशनी में देते हैं। कहते हैं कि खुदी के बारे में, नुक्ता नूरे के नाम है वो खुदी अस्त, नूर का एक नुक्ता जिसका नाम खुदी है। अब इसको हम जेर खाक माँ शरार जिंदगी अस्त, अब ये बड़ी हैरत अंगेज शेर है उनका। वो कहते हैं नूर का एक नुक्ता है जिसका नाम खुदी है, मेरे इस जिस्म के अंदर, मेरी इस मट्टी के अंदर वो एक चिंगारी छुपी हुई है। नाउ दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट खुदी इज, मेरे वजूद के अंदर एक नूर का नुक्ता है, एक चिंगारी है जो छुपी हुई है। अब देखिए आम तौर पे इंसानों के जहन में एक तस्वीर ये होता है कि इंसान और उसका जिस्म एक रूह, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, जिस्म है और इसकी रूह है। इकबाल एक हैरत अंगेज तस्वीर यहां पर देते हैं कि इंसान के वजूद में रूह के अलावा भी एक तीसरी ताकत मौजूद है और इसको वो खुद ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल, इतना इकबाल का एक शेर सुनिएगा और फिर जरा इस पर गौर कीजिए, अगर ना हो उलझन तो खोल के कह दूं, क्योंकि उलझन हो जाती है ना, हर इंसान ही समझता है कि जिस्म है और एक रूह है और तीसरी कोई डायमेंशन नहीं है। अगर ना हो उलझन तो खोल के कह दूं, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन। इकबाल के वजूद, इकबाल के मुताबिक जो इंसान के वजूद में एक तीसरी, एक सुपीरियर फोर्स है जिसको वो खुद ही कहते हैं कि नूर का एक टुकड़ा है, नूर का एक चिंगारी है जो इंसान की खाक के अंदर पैवस्ता है। ये वो चिंगारी है कि जो इंसान को उसकी तख्लीक करने, जाहरी तौर पर जिस्म की तख्लीक करने से पहले, फनफख तो फी है मिन रूही, जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैंने उसके अंदर अपनी रूह फूकी, उस तस्वर से पहले इस इंसान में अल्लाह ताला ने वो इमानत बख्शी, वो चिंगारी बख्शी, वो ताकत बख्शी कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा बनता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान को इख्तियार और ताकत दिया जाता है कि अल्लाह ताला की डिवाइन फोर्सेस अपने अंदर इस्तेमाल करके इस पूरी कायनात में वो तब्दीली ला सके जो अल्लाह के खलीफा को जेब देती है। अल्लाह का खलीफा होना कोई छोटा स्टेटस नहीं है, बहुत बड़ा स्टेटस है, और हर इंसान, हर मुसलमान, बल्कि हर इंसान को ये मौका दिया गया है कि वो अल्लाह का खलीफा हो, उस खिलाफत के अपने आप को काबिल बनाना है कि जब आप अल्लाह ताला की उस खिलाफत के काबिल हो जाते हो तो अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी, अपनी फोर्सेस, अपनी ताकत आपको देता है, आप कहारी, गफारी, कुदूसी, जुबरूत हो जाते हो, आपकी मर्जी से, आपकी निगाह मर्द मोमिन से फिर तकदीरें बदलती हैं, फिर खुदा आपसे पूछता है कि आप बता तेरी रजा क्या है, फिर ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम आपके होते हैं। देखिए ये सारी फोर्सेस इकबाल जब डिफाइन करते हैं कि अपने वजूद में अपनी खुदी को तलाश करो कि वो चिंगारी जो तुम्हारे वजूद में है, अगर तुम उसको रिकग्नाइज नहीं कर सके, फिर अगर तुम दुनिया में कोई तब्दीली लाना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, पॉसिबल नहीं है, रिवाइव करो अपने आप को पहले। और हमारी मिल्लत का, उम्मत का अलमिया यही है कि हर शख्स हर काम करना चाहता है बगैर अपने आप को जाने, बगैर उन फोर्सेस को इस्तेमाल किए जो अल्लाह के खलीफा होने की हैसियत से आपको और मुझे और हर शख्स को दी गई है। एंड देन ही सेज कि हस्ती का पैकर खुदी के आसार से, तू जो कुछ देखता है खुदी ही के असरार से, तुम्हें जो कुछ इंसान, देखिए एक बात हम आपको बताएं, एक सिंपल सी मिसाल है, टेलीविजन देखते हैं आप, एक टेलीविजन की मिसाल से इंसान की रियलिटी बड़ी खूबसूरत समझ में आ जाती है। टेलीविजन की एक बॉडी है, एक जिस्म है टेलीविजन का, उस टेलीविजन को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट का करंट आप पीछे से देते हैं, आप प्लग इन करते हैं, लेकिन प्लग करके आप टेलीविजन को ऑन भी कर दें तो उस पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आता जब तक केबल कनेक्शन ना लगा हुआ पीछे से। अब यहां पर दो सॉफ्टवेयर सिग्नल्स हैं, एक 220 वोल्ट का करंट आ रहा है और एक उसकी केबल से जो सिग्नल आ रहा है, और बाकी उसका जिस्म है, बॉडी है। इसी तरह इंसान के जिस्म में, एक जिस्म है इंसान का, इसको जिंदा करने के लिए जो करंट है वो 220 वोल्ट का सिग्नल है जिसको रूह कहते हैं, और इंसान के अंदर जो नजर आएगा, जो कुछ जाहिर हो रहा है वो
वो केबल है, वो कनेक्शन है, वो केबल है जो चैनल चल रहा है उसके ऊपर। कभी इब्लीस का चैनल चलता है, कभी शैतान का चलता है, कभी उसके ऊपर अल्लाह के वली का चैनल चलता है। आप चैनल स्विच करते जाते हैं ना, टेलीविजन वही रहता है, 220 वोल्ट का सिग्नल वही रहता है, लेकिन उस टेलीविजन पे चैनल्स चेंज हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है चैनल। और ये वो वक्त इंसान के अंदर जब नफ्स एक्टिवेट होता है, जब इंसान अपने नफ्स के तहत उसकी अकल को नफ्स से एनर्जी मिलती है, वो शैतान से सोर्सेज और एनर्जीज लेना शुरू करता है, तो इसी जिस्म पे इसी रूह के साथ इंसान इब्लीस बन जाता है, शैतान बन जाता है। और जब इंसान अपने अंदर कल्ब को एक्टिवेट करता है, उसकी एनर्जी सोर्सेज को, उसकी मेंटल फैकल्टीज को, उसके वजूद की फैकल्टीज को कल्ब से एनर्जी मिलना शुरू होती है, तो इसी जिस्म में इसी रूह के साथ इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। अब समझना आसान हो जाएगा बिल्कुल कि इंसान अपने वजूद में उस थर्ड डायमेंशन को अगर ना उलझन तो खोल के कह दें, वजूद हजरत इंसान, न रूह है न बदन, न टेलीविजन असलियत है, न 220 वोल्ट का सिग्नल असलियत है, जो टीवी पर नजर आ रहा है वो क्या है, जो केबल से आ रहा केबल से है। यानी इंसान के वजूद में जो कल्ब है जो अल्लाह ताला के नूर से रिसीव करता है, और जो नफ्स है जो शैतान से रिसीव करता है, जिसको डोमिनेट करोगे वो बन जाओगे। तो एक कॉल लेते हैं, बड़े एक डेस्परेट कॉलर है हमारे साथ। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी डॉक्टर तकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जैद हामिद साहब आपकी प्लीज, जो आप सवाल करना चाहते हैं। जी जैद साहब, मैं आपसे ये एक दो बातें करना चाहूंगा। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि 60 साल हो गए माशाल्लाह, इस तकरीबन 70 होने लगे इस मुल्क को बने हुए। जिस बंदे ने, जिस हस्ती ने इसकी आइडियोलॉजी दी थी, जिसपे हम शो चला रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें कि 60 साल में क्या हमारी लीडरशिप उस आइडियोलॉजी पे उतरी है, या हैव वी फेल्ड टू फॉल इनटू द क्राइटेरिया ऑफ दैट आइडियोलॉजी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आजकल हमारी कौम जो है वो चंद सौ डॉलर के लिए बिक जाती है। क्या ये भूल जाते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की आज तक अंग्रेज इज्जत करता है। फ्रांस में म्यूजियम्स में मैंने उनकी खुद बस देखे हैं, खुद तस्वीरें देखी हैं, यानी कि उनको इज्जत दी गई है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक पैसा तो ले गए, लेकिन आज लोग उनको कितनी बुरी निगाह से और कितने बुरे अल्फाज में याद रखते हैं। वो एक कौम को जो एक बच सकती थी, उसको 90 साल की गुलामी में धकेल के चले गए, जिस गुलामी से आजादी भी मिली, लेकिन वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम इज। आज भी हम उठ के खड़े होके कहते हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं तो फ्रेंडली मैच है। लेट मी रिमाइंड आर पीपल द सेक्रीफाइसेस दैट आर एल्डर पीपल हैड टू पे फॉर द होलोकास्ट ऑफ द ज्यूज इज वन थिंग, वी फॉरगेट टू रिमाइंड पीपल ऑफ द होलोकास्ट ऑफ पंजाब एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया दैट वी हैड टू फेस इन 1947। इफ नेशंस फॉरगेट देयर पास्ट, दे डू नॉट हैव एनी फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है, बट इस सवाल का जवाब हम इस ब्रेक के बाद देंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक बड़ी जबरदस्त सवाल पूछा एक साहब ने, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था, मैं जवाब सुनना चाहूंगा, क्या क्या बताएंगे आप इसके जवाब। देखिए, आज जो हमारी उम्मत, हमारी मिल्लत, हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी तकलीफ में है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान बनाने के बाद हम अपनी उस आइडियोलॉजी को भूल गए जिस पर हमने अल्लाह ताला से वादा किया था कि हम इस पाकिस्तान को कायम करेंगे। और ये अलमिया है, ये तकलीफ है जिसकी वजह से हमें चोट लगी। ये बात तो हम पहले तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी वजह यही है कि आज हम जिस हाल में हैं। लेकिन फिर हम इसको ये मार्जिन भी देते हैं कि हमारे बड़ों ने जब पाकिस्तान बनाया तो इतना टूटा फूटा पाकिस्तान था कि 2-3 नस्लें लग जाती हैं उसको इस हाल में लाने के लिए कि आज अल्लाह के फजल से जो पूरी दुनिया रिसेशन में है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस मचा हुआ है, पाकिस्तान में देखिए दौलत की रेल पेल अल्लाह के फजल से ऐसी नजर आती है, जमीन के खजाने जो इस मुल्क में भरे हुए हैं, जो नौजवान नस्ल है इस कौम की, पढ़े लिखे बच्चे अब भूखे नहीं सोए, इन्होंने हिजरत नहीं की, आला तरीन तालीम याफ्ता है, दुनिया को देखा हुआ है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि उस इमानत को अपने कंधों पर उठाएं। और जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले बात कही थी कि इस पाकिस्तान को बनाते हुए हमने जो 40-50 लाख मुसलमानों की कुर्बानियां दी हैं, अब हमारी ये नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है कि उससे खयानत नहीं करे। इसीलिए इकबाल आज रिवाइव किया जा रहा है, बिकॉज इकबाल को रिवाइव किए बगैर, आप उस आइडियोलॉजी को रिवाइव किए बगैर, उस गैरत को, उस इज्जत को, उस सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हासिल किए बगैर जिस पर हमारे बड़ों ने स्टैंड लिया था, अंग्रेजों से एक तरफ बात की थी और एक तरफ हिंदुओं से बात की थी, और फिर उनके जबड़ों से अपना मुल्क निकाल के, अपनी इज्जत निकाल के, अपने बचा के पाकिस्तान बनाया था, जब तक कि वो जज्बा जुनून और इश्क आपके पास दोबारा नहीं होगा, उस वक्त तक आप इस मुल्क को रूज पे नहीं ले जा सकोगे। एंड दिस इज द मैसेज, दिस इज द मिशन दैट वी हैव अंडरटेकन, दिस इज द रेवोल्यूशन दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट इंशाल्लाह उल अजीज। सो यू सी,
میر جعفر اور میر صادق آج بھی ہماری صفوں میں پہنچے ہیں انہی کی وجہ سے آج یہ امت کو یہ آزمائشیں اور مشکلات ہیں لیکن یہ میر جعفر اور یہ میر صادق جو ہیں یہ ہمارے حکمران ہمارے سر پہ بیٹھ گئے حقیقت میں ہمارے حکمرانوں میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہی ہماری عزت اور آبرو ہمارے دشمنوں سے بیچتے ہیں یہی وہ ہے کہ جو سودا کرنے والے لوگ محن فروختن و چرزاں فروختن وطن بیچا اور کیا سستا بیچا جو ان لوگوں کے اوپر صادق آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اپنا راستہ بنائیں گے ہم ان سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں اس وقت بھی تھے غدار ہمارے لیڈرز بھی غدار تھے کانگریسی بھی تھے علماء بھی ان میں کچھ تھے جو بک چکے تھے کانگریس کے ہاتھوں اس کے باوجود جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے اپنا راستہ نکالا اور پاکستان حاصل کیا مایوس نہیں ہونا ہوتا ہے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں اور اقبال کا میسج ہی یہی ہے کہ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی جو ڈیفینیشن اقبال اپنی شاعری میں بار بار دیتے ہیں دس از دا میسج دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو حالات سے کیوں گھبراتے ہو یار دنیا کی ہر زندہ قوم کے ساتھ یہ مشکل آتی ہے لیکن اب سوال وہ یہی ہے کہ ہم زندہ قوموں کی طرح سٹینڈ لیتے ہیں یا بزدل بے شرموں بغیرتوں کی طرح ہتھیار ڈال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور کل کو آ کے ہماری تقدیر تبدیل کرے کوئی تقدیر ہماری تبدیل نہیں کرے گا ہم خود کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لیکن سر ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جو پاکستان میں جو میں یوتھ اپنے آپ کو تو خراب میں یوتھ نہیں کہتا ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے 40 کے قریب قریب پہنچ جاؤں لیکن جیسے میں ینگ لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آئی سی اے لاٹ آف پیشن لاٹ آف پیشن لاٹ آف پیٹریٹزم لاٹ آف نیشنلزم وچ از کائنڈ آف مس گائیڈیڈ آلسو دے آر مس گائیڈیڈ اینڈ دیئر فرور علی یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن میں وہی کہتا ہوں کہ بڑی زبردست چیز ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے میں کسی سے ملتا ہوں اس کے خلاف پاکستان کے خلاف بات کر دو وہ آپ کا سر نوچنے کو تیار ہوتا ہے بلکہ آج ایک ای میل بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو پاکستانیوں نے اوسلو سے بھیجی مجھے تو وہ obviously ان کے اندر ایک بہت بڑا زبردست جذبہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو چینلائز کرنا ہے یہی میں آپ سے سوال جو میرا نیکسٹ میں پہلے مجھے سوال کر لینے دیجئے مجھے پتا ہے وہ یہی سوال ہے کہ اس ساری سارے جنون اور جذبے کی جو آپ بات کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے جو خودی کی بات ہم کرتے ہیں بار بار اور اقبال نے جو اس کا ایک تو آپ نے طریقہ کار ہم نے پہلے بھی شوز میں بتایا ہے نماز روزہ حج زکات اور جو کہ اسلام کے پلرز ہیں آپ ایک اچھے مسلمان بنیں گے تو آپ خودی کی طرف چلیں گے پھر اس کی اور بھی ڈائمنشنز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ٹیل دی آڈینس جو ہمارے نوجوان ہیں جس طرح کے یہ اقبال فار ڈمیز دس شو شوڈ بی کال اقبال فار ڈمیز وہ اس طرح کی ٹیکسٹ بک آتی ہیں اس طرح کے اکنامکس فار ڈمیز اور سو دس از وی آر ٹرائنگ ٹو کہ میرے جیسے بیوقوف لوگ بھی سمجھ سکیں نہیں علی دیکھو ہم نے جب شروع میں اسرار خودی کے حوالے سے چونکہ اقبال ہمارا ٹیکسٹ بک ہے ہمارا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم لے کر آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں اقبال نے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی انقلاب یا ریولوشن یا سفر کی طرف چلنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو سیلف ریسپیکٹ چاہیے خود ہی عزت سیلف ریسپیکٹ جو ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ سر نہیں جھکانا کٹوا دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا کٹوا دینا ہے بھیک نہیں مانگنی اپنا رزق خود کمانا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی یہ تو دنیا میں چاہے کسی مسلک کسی مذہب کا انسان ہو اگر وہ کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو غیرت اور عزت تو پہلے چاہیے پہلی چیز ہے تاکہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی بات انسان بڑے بڑے غیر مسلموں نے یعنی کاسترو کیوبا کا جو ہے اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے امریکہ کے آگے سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے وہ بھی غیرت مند آدمی ہے اپنی قوم کے لیے تو غیرت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد شریعت کی پابندی جو اقبال نے پوری ڈیفینیشن میں بتائی لیکن شریعت کی ڈیفینیشن پہ پابندی کرنے سے بھی انسان کا قلب انسان کی اسپرچل ڈائمینشن اس کی خودی کی حفاظت نہیں ہوتی جب تک آگے کچھ سٹیپس ہیں جو اقبال بتاتے ہیں کہ ان کی حفاظت نہ کی جائے اور یو ٹرائنگ ٹو سے کہ میئر ریچولز ول ناٹ ڈو اٹ نو ناٹ ایٹ آل دین صرف ریچولز کا نام نہیں ہے دین میں ایک بہت بڑا پہلو ہے تزکیہ کا پیوریفیکیشن تربیت جس کے اندر انسان کی اسپرچویلٹی ڈیولپ کی جاتی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں قرآن میں پیوریفیکیشن وہ قلب کی صفائی انسان کی اسپرچل ڈائمنشن اور اس کے طریقہ اقبال کیا بتاتے ہیں خودی کی حفاظت کے لیے وچ از فیسینیٹنگ یعنی سیز اس کی بنیاد عشق اور محبت ہے محبت کے بغیر خودی کی حفاظت اور تربیت نہیں ہوتی کس طرح وہ پھر آگے بات کرتے ہیں we're going to take a break once we come back we're going to continue from right where we left.